फसलें कट चुकी है और जिन किसानों को अपने खेतों में मूंगफली बोनी है उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी है। सामान्यतः मूंगफली की बुआई का समय है वो 15 जून से 15 जुलाई के मध्य में होता है। मूंगफली की फसल बोने के लिए खेत को महीने भर पहले से तैयार करना शुरू कर दिया जाता है। मूंगफली की खेती भुरभुरी सी मिट्टी में होती है, इसके लिए सबसे पहले हैरो से खेत को जोत दिया जाता है। जुताई के बाद में खेत को कुछ दिन के लिए लगभग 15-20 दिनों के लिए खुला छोड़ दिया जाता है, जिससे कि पर्याप्त मात्रा में धूप लग जाती है और खरपतवार भी ख़त्म हो जाती है। इसके बाद में खेत में गोबर की खाद डालकर अच्छे से मिट्टी में मिला दिया जाता है और खाद को मिलाने के बाद में अच्छे से पलेवा कर दिया जाता है। इसके बाद में जब खेत की मिट्टी ऊपर से सूखी सूखी दिखाई देने लगती है तब रोटोवेटर लगाकर खेत की अच्छे से जुताई कर दी जाती है। इस खेत की मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और मिट्टी के भुरभुरी होने के बाद में खेत में पाटा लगाकर जमीन को बिल्कुल समतल कर दिया जाता है। मूंगफली के खेत में गोबर की खाद की जगह यदि रासायनिक खाद का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके लिए आखिरी जुताई से पहले 1 हेक्टेयर में NPK की 60 किलो की मात्रा खेत में दी जाती है। इसके अतिरिक्त 1 हेक्टेयर में 250 किलो जिप्सम का फैलाव भी करना होता है। मूंगफली के खेत में नीम की खली बहुत उपयोगी होती है, इससे पैदावार अच्छी प्राप्त होती है। मूंगफली का बीज बीजने से पहले उन्हें मैनकोप जेप या फिर कार्बेंडाजीम से उपचारित किया जाता है, जिससे किसी तरह का रोग मूंगफली में नहीं आता और मूंगफली का अंकुरण भी अच्छे से हो जाता है। और इसकी बिजाई है वो जून से जुलाई के बीच में करना सबसे सही रहता है। कोशिश की जाए कि मूंगफली के बीजों के बीच की दूरी 1 फुट हो, जिससे कि उनकी ग्रोथ अच्छे से हो और पानी की पूर्ति भी अच्छे से हो। वैसे तो मूंगफली की फसल बारिश के मौसम में होती है और उससे उसके पानी की पूर्ति भी हो जाती है, लेकिन अगर बारिश की कमी है तो 20 दिन के अंतराल से पानी देना ठीक रहता है। और जिस समय मूंगफली में फूल और फलियां बन रही हो उस समय ज़मीन की नमी बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि अच्छे से फलियां बने और अच्छे से मूंगफली की पैदावार मिले। मूंगफली की फसल में खरपतवार काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है और अगर इसका सही समय पर नियंत्रण नहीं किया जाए तो फसल काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। खरपतवार नियंत्रण के लिए प्राकृतिक और रासायनिक दोनों ही विधियां हैं। प्राकृतिक विधि में खरपतवार नियंत्रण के लिए खेत की 3 से 4 बार गुड़ाई की जाती है, जिसमें इसकी पहली गुड़ाई 20 से 25 दिन बाद तथा बाकी की गुड़ाई है वो 20 दिन के अंतराल में की जाती है। रासायनिक विधि द्वारा खरपतवार पर नियंत्रण पाने के लिए 500 लीटर पानी में 3 लीटर पेंडी मेथालीन की मात्रा को डालकर अच्छे से मिला दिया जाता है और उसके बाद में बीज रोपाई के 2 दिन बाद तक छिड़काव करना होता है, जिससे कि खरपतवार पर अच्छे से नियंत्रण पाया जा सके। मूंगफली की फसल में रोग बहुत ज़्यादा आसानी से आ जाते हैं, अगर समय पर उनका पता चल जाए तो पैदावार को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। मूंगफली की प्रारंभिक अवस्था में ही बीज सड़न नामक रोग पौधों पर लग जाता है, जिससे पौधों का अंकुरण पूरी तरह रुक जाता है और पौधा सड़कर नष्ट हो जाता है। और इस रोग से जो पौधे प्रभावित होते हैं उनके तनों पर हल्के भूरे रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं। जब पौधा 1 से 2 महीने का विकास कर चुका होता है तब पौधे पर पर्ण चींटी नामक रोग लगता है और इसमें पत्तियां समय से पहले गिरकर नष्ट हो जाती है और पौधे की पत्तियों पर काले भूरे रंग के साथ धब्बे बन जाते हैं जो समय के साथ बड़े होने लगते हैं। इसमें पौधे पर आने वाली फलियां कम और आकार में छोटी भी होती हैं। मूंगफली की फसल में सबसे ज़्यादा रोग जो आता है वो है लीफ माइनर रोग, और इसमें यह पौधे की पत्तियों पर आक्रमण करता है। पत्तियों पर सफ़ेद भूरे रंग की लाइनें बन जाती है और कुछ दिनों बाद ही पत्तियों का रंग पीला पड़ जाता है। मूंगफली की उन्नत किस्मों की बात करी जाए तो उनमें पहली है HNG10। इस किस्म को अधिक बारिश वाली जगहों पर अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए तैयार किया गया है। मूंगफली की एक किस्म है RG425, इसे राज दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है और यह सूखे के लिए बहुत प्रभावी है। जहाँ पर पानी कम हो वहाँ पर इस किस्म का उपयोग करना चाहिए। फिर एक किस्म है TG37A, यह किस्म फसल की कम फैलाव वाली होती है, इससे निकलने वाले दानों का आकार भी छोटा होता है। फिर एक किस्म है GG2, इस किस्म में निकलने वाले पौधों का फैलाव बहुत ज़्यादा होता है, पौधे ज़्यादा गुच्छेदार होते हैं, इसमें सामान्य आकार की फलियां निकलती हैं और एक फली में 2 दाने होते हैं।